न महंगे कपड़ों का शौक, न परिवार की चिंता, फिर सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी सैलरी का क्या करते हैं? नाश्ते में दलिया, दोपहर में मट्ठा, रात में दाल रोटी, सब्जी और एक गिलास दूध, यही सीएम योगी की डाइट है। ना आईफोन, ना नोकिया, इस कंपनी का फोन यूज करते हैं सीएम योगी। सिर्फ 12,000 रुपए है उसकी कीमत। योगी आदित्यनाथ गेरुआ वस्त्र पहनते हैं जिसकी कीमत ज्यादा नहीं होती। पार्टी में जाना हो या मीटिंग में, हर वक्त उसी पोशाक में दिखते हैं। सिर पर बाल नहीं रखते तो हेयर स्टाइल में कोई खास खर्च नहीं है। सन्यासी होने की वजह से दुनिया की मोह माया से मुक्त हैं, तो घर परिवार का भी खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि लंबे वक्त बाद घर भी गए तो किसी को कोई महंगा गिफ्ट भी नहीं दिया। फिर आप सोच रहे होंगे कि सीएम योगी अपनी सैलरी का क्या करते हैं? पीएम मोदी की तरह वो खुलकर दान भी नहीं देते तो पैसा जाता कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब आपको अगले 60 सेकंड में मिलेगा, लेकिन उससे पहले जरा उनकी सैलरी का हिसाब किताब समझते हैं और जोड़ते हैं कि सीएम योगी के पास अभी कितना रुपया होना चाहिए और असल में कितना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सैलरी अभी 3,65,000 रुपए है। योगी आदित्यनाथ करीब 6 साल से मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले 5 बार सांसद भी रहे हैं। एक सांसद की सैलरी सारे भत्ते जोड़कर करीब 1 से 1.5 लाख हो जाती है। इस हिसाब से सीएम योगी के खाते में अभी कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन 4 फरवरी 2022 को चुनावी हलफनामे में जो सीएम योगी ने जानकारी दी उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ के पास अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 1,15,00,000 रुपए जमा है, 51,000 रुपए कैश है। डाकघर की कई योजनाओं के तहत 37.57 लाख रुपए हैं। कोई अचल संपत्ति यानी कि मकान और जमीन नहीं है। 59,000 रुपए का सोने का कुंडल, 20,000 की चेन, 12,000 रुपए का सैमसंग का मोबाइल फोन और 1,00,000 की लाइसेंसी रिवॉल्वर और 80,000 की एक राइफल है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि योगी अपना पैसा कहीं निवेश भी नहीं करते, पीएम मोदी की तरह खुलकर दान भी नहीं देते। जैसे मोदी अगर कहीं दान करते हैं तो खबर आती है, तो फिर योगी आदित्यनाथ अपनी सैलरी का क्या करते हैं? इसका जवाब उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में दिया था। सीएम योगी बताते हैं, मैं वेतन के रूप में जो भी पैसा लेता हूं, उसे जरूरतमंद लोगों की मदद में खर्च करता हूं। जैसे जनता दर्शन कार्यक्रम में जो लोग मुझसे मिलने आते हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी सरकारी स्तर पर मैं मदद नहीं कर पाता, तो उन्हें मैं पैसे से मदद देता हूं। किसी को इलाज के लिए, किसी को फीस के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं कभी इन बातों का जिक्र नहीं करता। अधिकारियों को इस बात की सख्त हिदायत है कि वो किसी को भी ये ना बताएं कि मैं किसकी कितनी मदद कर रहा हूं, क्योंकि मदद का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। मेरा जीवन बिल्कुल साधारण है। मैं सुबह नाश्ते में दलिया पपीता खाता हूं, गर्मी के दिनों में दोपहर में मट्ठा यानी कि छाछ पीता हूं और रात में दाल रोटी सब्जी के साथ एक गिलास दूध लेता हूं। बस यही मेरा खर्चा है। आप कई लोग कहेंगे हम कैसे मान ले, तो इसका भी एक किस्सा आपको सुनाते हैं। ये बात साल 2015 की है, जब योगी आदित्यनाथ उस वक्त गोरखपुर से सांसद थे, गोरखपुर मंदिर में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी 9 साल का एक बच्चा उनके पास आया। मैं रामलीला मैदान के पास रहता हूँ, मेरी माँ ने सामान खरीदने के लिए मुझे पैसे दिए थे, पर मुझे खेलना पसंद था इसलिए 90 रुपए का बैडमिंटन और कॉर्क खरीद ली। घर गया तो माँ ने कहा सामान लेकर आओ, दुकानदार के पास गया तो उसने डांट कर भगा दिया। मैं फिर पुलिस वाले अंकल के पास गया, वो हंसने लगे और कहा कि योगी जी के दरबार में जाओ, अब मैं आपके पास आया हूँ, तुम किसे दंड दिलाना चाहते हो, दुकानदार को या उस पुलिस वाले को? बच्चा कहता है, मैं किसी को दंड नहीं दिलाना चाहता, मुझे बस 90 रुपए चाहिए ताकि माँ को सामान दे सकूं। तब योगी ने उस बच्चे को 90 रुपए अपनी जेब से दे दिए और वो बच्चा खुशी खुशी चला गया। अब इस तरह की मदद सरकारी स्तर पर तो नहीं हो सकती। ऐसे कई किस्से सीएम योगी की जिंदगी में हुए जहां 90 रुपए नहीं बल्कि हजारों की मदद की बात आई। इसलिए सीएम योगी के पास आज ना तो आलीशान घर है ना ही जमीन। अगर अखिलेश यादव की संपत्ति से सीएम योगी की तुलना करें तो अखिलेश के पास योगी से 27 गुना ज्यादा की संपत्ति है। तभी तो कहते हैं सन्यासी होना हर किसी के वश की बात नहीं है। ये किस्सा सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कॉमेंट करके बताएं।